हेलो डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप सिंथेसिस पढ़ा दीजिए, तो आज से मैं ए टू जेड जो है वो वोकैबुलरी सीरीज को स्टार्ट किया, तो उसको शॉर्ट टाइम के लिए ब्रेक कर रहा हूँ, उसको रोक रहा हूँ और मैं आपको आज से सिंथेसिस बता रहा हूँ। सिंथेसिस जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते है, तो मैं आपको बताता हूं। सिंथेसिस कम्स फ्रॉम द वर्ड सिंथेसाइज। सिंथेसाइज वर्ड से सिंथेसिस आता है और सिंथेसिस की जो हिंदी होती है वो होती है संश्लेषण। संश्लेषण यानी द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग और कनेक्टिंग और कंप्रेसिंग मोर देन वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और more than one clauses into one simple or compound or complex sentences. एक से ज्यादा part या clauses, पहले तो आपको clause समझना पड़ेगा, clause, clause. A part of a sentence that has a subject and a verb is called clause. Sentence का एक हिस्सा जिसमें एक subject होता है और एक verb होता है, उसको हम लोग actually कहते हैं clause. बिना subject और verb के कोई group of word clause नहीं हो सकती, तो ये आपको दिमाग में रखना है. A group of words that has a subject and a verb is called clause. एक क्लॉज जो होगी उसकी मीनिंग कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है. इसीलिए बाय एंड लार्ज दो तरह के क्लॉज होते हैं. बाय एंड लार्ज एक मेन क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज. एक मेन क्लॉज ऐसा क्लॉज जिसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट हो, दूसरा क्लॉज जो डिपेंडेंट हो, जिसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट ना हो. ऐसे क्लॉज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. एक कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, वो क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ करके बनता है, उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. एक मेन क्लॉज, मेन क्लॉज वो क्लॉज जो एब्सोल्यूटली इंडिपेंडेंट हो, दैट इज द प्रिंसिपल क्लॉज. तो क्लॉज आपने समझ लिया, नहीं समझ लिया तो बताइएगा, मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए दे दूंगा. राइट, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? सिंथेसिस. मैंने आपको बताया सिंथेसिस सिंथेसाइज वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है संश्लेषण. और इसकी हिंदी क्या होती है? हिंदी मैंने बताया संश्लेषण. और इसमें हम करते क्या हैं? एक से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. तो बाय एंड लार्ज यानी शॉर्ट में हम ये समझें कि सिंथेसिस में हम तीन तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस समझें. सिंपल सेंटेंस में आपको एक चीज ये दिमाग में रखनी होगी कि सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, FINITE, फाइनाइट. अगर जो आप फाइनाइट वर्ब नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे, वहां आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब मिलेगी. वर्ब में मैंने दोनों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को डिटेल में बताया है, उसे देखिए और समझिए, न समझ पे आने पे मुझे बताइए. तो शॉर्ट में मैं बताता हूं, एक ऐसी वर्ब सेंटेंस की, एक ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो होती है फाइनाइट वर्ब. एक ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होती है.
और एक से ज्यादा क्लॉजेस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 8 वेज हैं, 8 तरीके से लगभग हम लगभग 8 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं क्या करने के लिए, एक से ज्यादा क्लॉजेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो आइए हम इसको देखें कैसे हम एक सर्टेन तरीका यूज करते हैं, एक से ज्यादा क्लॉजेस को मिला करके जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। इसको समझ लीजिए, सिंथेसिस द एक्ट ऑफ कंप्रेसिंग मोर देन कंप्रेसिंग और कंबाइनिंग और एडिंग, कोई आप जोड़ सकते हैं, मोर देन यहां लिख लीजिएगा वन क्लॉजेस, यहां वन कर लीजिएगा, वन क्लॉजेस माय बैड इनटू अ सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। वही बात, एक से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ करके जब हम एक सेंटेंस बनाते, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस तरीके को हम कहते हैं सिंथेसिस। आइए सिंपल सेंटेंस समझे, देर आर 8 वेज टू कंबाइन क्लॉजेस इन टू अ सिंपल सेंटेंस, ये मैं भी आपको बता चुका हूं। देयर आर 8 वेज टू कंबाइन, सॉरी टू कंबाइन क्लॉजेस इन टू, कर लीजिएगा इसको ओ, इन टू अ सिंपल सेंटेंस। ये मैंने आपको बताया कि 8 तरीकों से हम एक से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और एक चीज फिर मैं बता रहा कि सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होती है। फिर मैं कह रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा जो वीडियो वर्ब पे है जिसमें मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों बताया है, जस्ट गो एंड व्यू दैट। देखिए, तो देखिए पहला क्या है, कंजंक्शन एंड, कंजंक्शन एड का यूज करके हम एक से ज्यादा क्लॉजेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन कब हम कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं, एक से ज्यादा क्लॉजेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, कब, इफ क्लॉजेस हैव सेम वर्ब, यदि क्लॉजेस का वर्ब सेम है या वॉट एवर इज डिफरेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंबाइन देम। तो एक से ज्यादा क्लॉजेस को मिला करके हम सिंपल सेंटेंस एंड का यूज करके कब बनाते हैं, जब मान ली हमारे पास दो क्लॉजेस हैं और दोनों क्लॉजेस में जो वर्ब है वो कॉमन है, या कोई दूसरा दो क्लॉज लीजिए जिसमें या तो नाउन कॉमन है या तो ऑब्जेक्ट कॉमन है। नाउन कॉमन होगा तो हम उस नाउन को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे एंड से। अगर जो दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ होगा वो कॉमन होगा तो उसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ करके एंड से जोड़ करके उसको हम सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देखिए आई हैड कॉफी, यहां है मैंने, मेरे पास थी नहीं, मैंने कॉफी पी। आई हैड मिल्क, मैंने मिल्क पिया। अब यहां देखिए, यानी दोनों सेंटेंस को आप देखेंगे, सॉरी ये दोनों क्लॉज को आप देखेंगे तो दोनों क्लॉज में क्या कॉमन है, वर्ब। ठीक है, दोनों क्लॉजेस में क्या कॉमन हमें यहां मिल रहा है, वर्ब कॉमन मिल रही है। तो देखिए हम यहां क्या कर लेंगे, आई हैड कॉफी एंड मिल्क, मैंने कॉफी और मिल्क पिया। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कब एंड का यूज करेंगे, जब या तो सब्जेक्ट कॉमन हो या जब आपका ऑब्जेक्ट कॉमन हो। तो यहां देखिए दोनों कॉमन है, सब्जेक्ट भी कॉमन है और वर्ब भी कॉमन है, तो हमने क्या कर लिया, आई हैड कॉफी एंड मिल्क। अब यहां देखिए, हेनरी स्टार्टेड फॉर लंदन, देखिए हेनरी लंदन के लिए गया। लीजा स्टार्टेड फॉर लंडन, लीजा लंडन के लिए, देखिए यहां दोनों में क्या कॉमन है, दोनों, हेनरी भी लंडन गया और लीजा भी लंडन गई। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहां दोनों में वर्ब कॉमन है, तो कैसे सेंटेंस बन गया, देखिए हेनरी एंड लीजा स्टार्टेड फॉर लंडन। देखिए तो यहां पे हमने किसको कंबाइन कर लिया, दोनों नाउन्स को, दोनों सब्जेक्ट्स को हमने एंड से जोड़ लिया। अब देखिए ये आपने एक तरीका देख लिया किसका,
एंड कंजंक्शन से कैसे यूज करेंगे। अब यहां देखिए अगला, यूजिंग एडजेक्टिव, कैसे हम एडजेक्टिव का यूज करके एक से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। देखिए यूजिंग एडजेक्टिव, कब एडजेक्टिव, इफ द एडजेक्टिव ऑफ वन क्लॉज, ध्यान देना, यदि एक क्लॉज की एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन ऑफ अनदर क्लॉज, मान लीजिए एक क्लॉज है उस क्लॉज में एडजेक्टिव है और वो एडजेक्टिव जो दूसरे क्लॉज का जो नाउन है या ऑब्जेक्ट है उसको क्वालिफाई कर रही है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो दूसरे क्लॉज वाली एडजेक्टिव है उसको हम क्या ले आएंगे, इधर पहले वाली क्लॉज के नाउन से पहले ला करके यूज कर लेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, I bought a shirt. The shirt was black. ये देखिए मैंने एक शर्ट खरीदी, शर्ट नाउन, द शर्ट वॉज ब्लैक। देखिए यहां पर ये जो सेकेंड क्लॉज की जो एडजेक्टिव है ये किसके लिए आ रही है, ये पहले वाले सेंटेंस यानी क्लॉज के नाउन के लिए। तो हम क्या कर लेंगे, यहां वाला ये जो एडजेक्टिव है हम पहले वाले क्लॉज के सब्जेक्ट के पहले ला करके यूज कर लेंगे। और कैसे कर लेंगे, देखिए आई बॉट अ ब्लैक शर्ट, समझिए कब करना होगा, जब एक क्लॉज की एडजेक्टिव दूसरे क्लॉज के नाउन को क्वालिफाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले क्लॉज के नाउन से पहले उस एडजेक्टिव को जो पहले वाले या दूसरे क्लॉज में है उसके पहले हम ले आएंगे। जैसे ये आपने क्लियर हो क्या होगा, देखिए आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदा, द शर्ट वॉज ब्लैक। देखिए दूसरे क्लॉज की जो एडजेक्टिव है वो पहले वाले क्लॉज के नाउन को क्वालिफाई कर रही, तो दूसरे वाले क्लॉज की एडजेक्टिव को हम इस नाउन के पहले ले आएंगे और इस तरह से सेंटेंस को बना के सिंपल कर देंगे, कंबाइन करके, सॉरी। अब अगला देखिए, थर्ड तरीका, यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, कैसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करते हैं। एडवर्ब आप जानते हैं एडवर्ब का फंक्शन, अगर आप एडवर्ब के फंक्शन को नहीं जानते हैं तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गो टू माय चैनल, गो टू माय मेन पेज डेल फाइंड, वहां आप मेरे पेन मेन पे चैनल पे जाएंगे तो वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको उसको क्लिक करना है, उसमें ग्रामर में जाना है, ग्रामर में जाकर के आपको एडवर्ब को सर्च करना है, एडवर्ब को ढूंढ करके आपको एडवर्ब का वीडियो को व्यू करना है। वहां पे मैंने डिटेल में एडवर्ब को बताया है कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब हमेशा किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहां देखिए एडवर्ब का हम या एडवर्बियल फ्रेज का यूज कब करेंगे, प्रोवाइडेड अ क्लॉज मॉडिफाइज द वर्ब ऑफ अनदर क्लॉज, अगर जो मान लीजिए एक क्लॉज की जो वर्ब है, सॉरी एक क्लॉज है वो दूसरे क्लॉज की वर्ब को मॉडिफाई कर रही हो, जैसे यहां देखिए आई गो टू द पार्क, I am regular, देखिए I go to the park, I am regular, ये जो क्लॉज है वो इस क्लॉज को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको ध्यान देना है मॉडिफाई कर रहा है। I go to the park या I go to park, मैं पार्क जाता हूं, I am regular, मैं regular नियमित हूं, तो क्या हो जाएगा I go to park regularly। फिर देखिए You can solve this, It will take no time, देखिए यहां पे ये क्लॉज इस क्लॉज को मॉडिफाई कर रही है, ध्यान देना है आपको ये क्लॉज इस क्लॉज की वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो कैसे हो जाएगा I can solve this in no time, तो देखिए ये जो आपका है in no time आप कह देंगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा adverb फ्रेज। और आप जानते हैं कि जब भी हम एडजेक्टिव में एलवाई जनरली जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब हो जाता है, इट डज नॉट मीन कि हम हमेशा एलवाई जोड़ करके एडवर्ब बनाते हैं, नहीं। तो होप आपको एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज क्लियर है, कब ये होगा प्रोवाइडेड तब जब एक क्लॉज
दूसरे क्लॉज की वर्ब को मॉडिफाई करेगी। जैसे मैंने कहा आपको, आई गो टू द पार्क, मैं पार्क जाता हूं, आई एम रेगुलर, मैं रेगुलर हूं, मैं रेगुलर कहां हूं, जाने के लिए पार्क। तो देखिए यहां पर ये क्लॉज इसको मॉडिफाई कर रहा, तो क्या हो गया, आई गो टू द पार्क रेगुलरली, और पार्क रेगुलरली। फिर यहां देखिए, आई कैन सॉल्व दिस, मैं इसे हल कर सकता हूं, इट विल टेक नो टाइम, ये इसको मॉडिफाई कर रहा सॉल्व करने को। मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं बिना बहुत कम समय में सॉल्व इसे वर्ब को, तो आई कैन सॉल्व दिस इन नो टाइम। अब देखिए चौथा जो लास्ट है इस वीडियो में, यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज कैसे करते हैं। फिर शायद आप इन्फिनिटिव क्लियर नहीं होगी, इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तीन तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरंड। अगर आपको ये भी क्लियर नहीं है तो इस पर भी मेरा एक वीडियो डिटेल में है, प्लीज गो एंड बेंच वॉच इट। तो देखिए वर्ब, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा करके हम क्या बनाते हैं, इन्फिनेटिव बनाते हैं। जैसे देखिए कैसे इसका हम यूज करेंगे, व्हेन द वर्ब ऑफ वन क्लॉज शोज द पर्पस ऑफ द वर्ब ऑफ अनदर क्लॉज। कब हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, जब एक क्लॉज की वर्ब दूसरे क्लॉज की वर्ब के पर्पस को, उद्देश्य को दिखाएगी। यानी कि एक जो क्लॉज है, यानी कि एक उपवाक्य है, उसका जो वर्ब है क्रिया, दूसरे जो उपवाक्य की क्रिया के किसको, उद्देश्य को दिखा रही हो, उस केस में हम किसका यूज करते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे कैसे देखिए, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, I wanted to buy books, मैं किताबें खरीदना चाहता था। तो देखिए, I went to market, मैं मार्केट क्यों गया, पर्पस दिखा रहा, I wanted to buy books, मैं किताबें खरीदना चाहता था। तो देखिए, I went to market to buy books, मार्केट जाने का उद्देश्य क्या था, किताबें खरीदना। तो एक देखिए, एक सेंटेंस कि जो क्रिया है वो दूसरे सेंटेंस की क्रिया के उद्देश्य को दिखा रही है। देखिए, द विडो हैड टू डॉटर्स, विधवा के दो बेटियां थीं, शी हैड टू मैरी देम, उसे उनकी शादी करनी थी। देखिए, दो डॉटर थीं, उसे उनकी शादी करनी थी, एक वर्ब दूसरे वर्ब के उद्देश्य को दिखा रहे। देखिए, द विडो हैड टू डॉटर्स टू मैरी, द विडो हैड टू डॉटर्स टू मैरी देम। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चारों तरीके क्लियर हो गए होंगे, किस तरह से इन चारों तरीकों को यूज करके हम एक से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो चार और जो तरीके हैं उसको भी हम लोग ठीक ढंग से समझ लें। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज टू लेट मी नो।